कोविड का दूसरा लहर शुरू हुआ है। इसमें सबसे बड़ा समस्या है वो है ऑक्सीजन का है। हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम है। इसका वजह से लोगों का जान भी जा रहा है। लोगों का पास पैसा भी नहीं है ऑक्सीजन लेने को। तो ऐसा एक प्रयास है बेंगलोर का एक संस्था की, जिन्होंने लोगों को वक्तगत रूप में ऑक्सीजन देना शुरू किया है। ये एक अच्छी पहल है जिससे कहीं लोगों का जान बच रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्सी मिशन इज बेसिकली टू सेव लाइव्स। वी आर ट्राइंग टू हेल्प आउट पीपल विद ऑक्सीजन सिलेंडर्स, प्लाज्मा, हॉस्पिटल बेड्स एंड एम्बुलेंस सर्विसेज। मर्सी मिशन मार्च 2020 जब लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस, तब से ये शुरू हुआ। इस मर्सी मिशन में 20 से ज़्यादा एनजीओस जुड़ के काम कर रहे हैं। तो हमारा पहला मकसद तो था कि लॉकडाउन में जो भी डिफ़िकल्टीज है लोगों को है उसको हल करने के लिए शुरू किए। तो इसमें हमें पहले राशन और कुक फूड बांट रहे थे लोगों को, लेकिन जैसा कोरोना ज़्यादा हुआ मेडिकल इसमें भी हमें हेल्प करना शुरू किए। वी प्रोवाइड फ्री सर्विसेज टू बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल एंड वी चार्ज मिनिमम चार्जेस फॉर ऑल आर अदर सर्विसेज। बैंगलोर के दूसरे दूसरे एरियाज में हमें फील्ड बूथ लगाए थे ताकि कोरोना के बारे में लोगों को इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको हेल्प करें। तो ऐसे हम काम एक साल से कर रहे हैं। सिंस द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड स्टक इन बैंगलोर वी हैव हेल्प मोर देन 1000 पीपल इन वेरियस दिस वन लाइक ऑक्सीजन we have oxygen cylinders including everything we have helped more than 1000 people. oxygen ka demand last 5 days mein explode hua kyunki itne log bimar hai aur hospital beds full hai aur hospitals mein bhi unka oxygen kam ho raha, unka supply is not enough aur plants bhi supply kar nahi sakte। तो हमारे पास जो भी सिलेंडर्स हैं हम लोगों को पहुंचाते हैं। वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मर्सी मिशन का हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करके वो ऑक्सीजन रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो डिटेल्स हमें फिल्टर करके ज़रूरत है या नहीं है, उनको हॉस्पिटल जाना है क्या है देख के, हमारा 5 सेंटर्स चल रहा है अभी बेंगलोर में, तो उनको ऑक्सीजन अलॉट करते हैं ये 5 सेंटर्स से। तो वो लेके ऑक्सीजन सिलेंडर, पोर्टेबल सिलेंडर लेके जा सकते हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ टेम्पररी अरेंजमेंट है उनको बेड मिलने तक, उनका कंडीशन स्टेबलाइज होने तक या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन घर में रिकवरी के लिए। ये हमें फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं। द मेन प्रॉब्लम विच वी हैव फेस्ड इज वी आर अनेबल टू हेल्प पीपल इन सर्टेन fields like there are patients who don't have anyone at home to collect oxygen cylinders for them and to help them out with administering with it. So at those times we are helpless because we don't have enough staff to go to the individual's residence, and even the staff are afraid of getting contracted with COVID, so we are unable to help people in situations like this. As of now we have a team of around 10 to 12 volunteers who are working with our call center. They help us out with the calls 24/7. They also help us out with Mercy Angels in which they help out with burials of COVID patients. The public is really happy that we are doing this service. Most of them thank us a lot. And some of them even try to help us out later by helping us out with plasma. COVID recovered patients help us out with plasma, so they help us out with certain things like that. As of now we are planning to expand all our services. We are planning to increase our staff so that we are able to cater to the rising demands.
सरकार को ऑक्सीजन का तैयारी ज़्यादा करना है और लोगों को कम पैसे में ऑक्सीजन मिले। कोरोना अभी भी हमारा बीच में है तो इसके संबंधित जितने भी स्वास्थ्य संबंधित सुविधा है उस पर ध्यान देने का ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाया जा सके और जो कोरोना महामारी से हम अपने देश दुनिया को सुरक्षित कर सके। Thank you.